Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, we are going to start a new chapter. Chapter number 6. And name of chapter number 6 is Air Around Us. Air Around Us. In the previous chapter, we have learned about water, and in this chapter we are going to learn about air. So students, let's start. Air. Now we will see that what is air and why it is important for us. Air is everywhere around us. Air is everywhere. Everywhere matlab har jagah. Around us. एयर जो है, हवा जो है, वो हमारे आसपास होती है. वी ब्रीथ एयर ऑल द टाइम बट कैन नॉट सी इट. जो एयर होती है वो हमारे आसपास हमेशा होती है. हम जो है वो सांस लेते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो हम किसकी हेल्प से सांस लेते हैं? हवा. लेकिन हम इस हवा को देख नहीं सकते. हवा आपके आसपास होती है. अगर आप अभी भी इधर उधर देखेंगे तो हवा होगी, लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं. हम हवा को नहीं देख सकते. अगर आप अपने मुंह से भी फूंकते हैं तो क्या होता है? हवा निकलती है. लेकिन क्या आप उस हवा को देख सकते हैं? नो, हम उस हवा को नहीं देख सकते. Though we cannot see air, we can feel it when it moves. अब हम हवा को देख तो नहीं सकते, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर हवा है? क्योंकि हम उस हवा को फील कर सकते हैं. फील करना मतलब महसूस कर सकते हैं जब वो मूव होती है. हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसे फील कर सकते हैं जब एयर मूव होती है. We feel air when it blows our hair. जब आप कहीं घूमने जाते हैं या फिर आप कहीं बाहर होते हैं और आपके बाल हवा में उड़ते हैं, उस समय क्या करते हैं? आप हवा को फील कर सकते हैं. लेकिन उसी समय क्या आपको हवा दिखती है? नहीं, आपको हवा नहीं दिखती, क्योंकि हम हवा नहीं देख सकते. हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो जब हमारे बाल हवा में उड़ते हैं तो क्या होता है? हम उस हवा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी इट. We feel air when it makes the leaves rustle. अब हम हवा को और किस टाइम पर महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? जब हवा क्या करती है?
लीव्स को रसल, रसल का क्या मतलब होता है, जब जो ड्राई लीव्स होती हैं, सूखी सूखी पत्तियां होती हैं, जब वो हिलती हैं ज़मीन पर या फिर उड़कर जाती हैं तो आपको कोई साउंड आता है, तो उस साउंड को हम कहते हैं रसल। ओके, सो जब हवा चलती है और साथ में लीव्स उड़ते हैं या फिर जो ट्रीज़ हैं वो उनकी जो लीव्स हैं वो उड़ रही हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो हवा के साथ फ्लो कर रही हैं, तो उस समय पर भी हम हवा को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नाउ एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर बहुत सारी लीव्स हैं जो ज़मीन पर गिरी हुई हैं। अगर हवा आएगी, एकदम से सोचिए हवा आई और ये सारी लीव्स उड़ने लगी, तो आवाज़ आएगी आपको। यहाँ पर भी आप हवा को नहीं देख सकते, बट यू कैन फील इट। We feel air when it moves the drying clothes. और किस समय पर हम हवा को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जब आपकी मम्मा बाहर कपड़ों को सुखाने के लिए डालती हैं। सबके घर पर कपड़े धुलते हैं, तो जब हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं और उसके बाद उन्हें बाहर सूखने के लिए डालते हैं और जब हवा आती है, हवा चलती है, तो क्या होता है, जो क्लॉथ, जो हमारे क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो भी मूव करने लगते हैं। तो क्या उस समय आपको हवा दिखती है? नो, उस समय पर भी हवा हमें नहीं दिख रही है, लेकिन हम उस हवा को फील कर सकते हैं। जब हवा आती है तो क्या होता है, जो हम कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, वो कपड़े मूव होने लगते हैं, एंड इन दैट टाइम ऑल्सो वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम फील कर सकते हैं एयर को, लेकिन उस समय भी हम उन्हें उसे नहीं देख सकते हैं। So students, you have to read page number 37 two times. You have to read page number 37 two times. So stay at your home and stay safe. Thank you.